अंजुमन इस्लाम कालसेकर टेक्निकल कैंपस न्यू पनवेल येथे वार्षिक क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते। 6 फेब्रुवारी रोजी या महोत्सवाचा उत्साहात समारोप झाला असून अनेक मान्यवरांनी या ठिकाणी खास उपस्थिती दर्शवली होती। नवी मुंबई आवाजचा खास कार्यक्रम शहर में द्वारा आपण या महोत्सवाची धूम पाहू शकता। न्यू पनवेल येथे अंजुमाने इस्लाम कालसेकर टेक्निकल कैम्पस 1 ते 6 फेब्रुवारी या कालावधीमध्ये 92 मे 2016 हा महोत्सव सर्वांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला। या महोत्सवा अंतर्गत सलग 6 दिवस क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा विद्यार्थ्यांनी मनमुराद आनंद लुटला। AIKTCचे एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन बुरहान हरीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यवस्थापनाचे डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल राजक होनुतुगी यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये या महोत्सवाचा शुभारंभ झाला, तर गुन्हे शाखा उपायुक्त दिलीप सावंत यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन झाल्याची माहिती AIKTCच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली। दिस इज अबाउट अ वीक ऑफ मॅमथ ऍक्टिव्हिटीज अँड कॉम्पिटिशन्स व्हिच इन्क्लूड्स बोथ इनडोर अँड आउटडोर गेम्स कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज। देयर आर अबाउट 4,700 students. I mean, the college strength is, the degree strength is 2,200 students. Okay. But about 4,780 students participated in all the events, which means our students have participated in more than one. I mean, the participation was 100%, which rarely happens, and the स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन मोर देन 1, 2, 3 एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ के बीच में अच्छा एक रिलेशन कायम हो, इस नियत से स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पे प्लान करते हैं। और पिछले, ये 3रा साल है, पिछले 2 सालों से जैसा ये ऑर्गेनाइज हुआ था उससे बहुत बड़े पैमाने में अभी हम इस साल ऑर्गेनाइज किए। स्पोर्ट्स अपना इंटर कॉलेज था और कल्चरल जो प्रोग्राम थे वो इंटर कॉलेजिएट थे, और इसमें इस बार मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बॉयज़ गर्ल्स फैकल्टी, एक हफ्ता यानी फर्स्ट से लेकर आज तक इतना ज़्यादा उन्होंने प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज किए, इतने अच्छे अंदाज से डिसिप्लिन वे में ऑर्गेनाइज किए कि एज ए डायरेक्टर आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ। It is really an amazing event. महोत्सवा दरम्यान विविध कार्यक्रम स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या, त्यास विद्यार्थी वर्गाने मोठ्या संख्येने उत्साहपूर्ण प्रतिसाद दिल्याचे दिसून आले। जवळपास 4,487 विद्यार्थी या महोत्सवात सहभागी झाले होते, तर महोत्सवाचा समारोप 6 फेब्रुवारी रोजी बक्षीस वितरण समारंभाने झाला। या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून पनवेल शहर अतिरिक्त पोलीस आयुक्त किरण पाटील, निसर्ग कामोठे पोलीस निरीक्षक ममता डिसुजा यांनी आणि विद्यार्थ्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी मार्गदर्शन करताना देशहितासाठी योगदान देण्याची महत्त्वपूर्ण बाब अधोरेखित केली। तुमच्यामध्ये जर काही गट्स असतील, तुमच्या टॅलेंट असेल, तर तुम्हाला पैसा किंवा वशिला म्हणजे जॅक बिग लागतो पोलीस खात्यात जायला वगैरे, असं माझ्या वडिलांना कुणीतरी सांगितलं, अरे का भेजरे हो बेटी को, उधर तो जॅक भी लगेगा और पैसा भी लगेगा, बट नो, आई हैव प्रूव्ड मायसेल्फ की मेरिट इज मेरिट। I was the 7th in all over Maharashtra, which was the first batch of MPSC who had given the written exam. Male and female cadre was same. It was my first batch, and the very young age, I was only of 20, just I had given the exam of BCom, and the result was not come. I had written in my application that I am a happier student of BCom. म्हणजे मला इकडे काय सांगायचं आहे की जर का तुमच्यामध्ये काही
आहे तर तुम्हाला तिथे कोणाचा फोन येण्याची गरज नाही, काही आवश्यकता नाही. सेकंड थिंग, मी या खात्यात का आली 10 ते 6 किंवा फॉर एक्झाम्पल टीचरचा जॉब 7 ते 1, बँकिंगचा जॉब 10 ते 6, 10 ते 3 असा असतो. इन जनरल लोक शॉर्ट पिरियडचा जॉब शोधतात, पण नाही, मला त्या वेळेला आठवत असत, त्या वेळेला केबल टीव्हीवरचे एवढे सिरियल्स वगैरे नव्हत्या, दूरदर्शन असायचं त्या वेळेला, आणि दूरदर्शनवर उडान सिरियल चालू होती तेव्हा, कल्याणीजी आणि विक्रम गोखले यांच्या जागेवर मी माझ्या वडिलांना बघायची. म्हणजे ते त्यावेळेला खूप कष्ट करायचे आणि त्यांनी त्यांच्या मुलीला पोलीस ऑफिसर बनवलं होतं, आणि त्या सिरियल मधली ती जी कल्याणी होती ती माझ्यासाठी रोल मॉडेल होती. तर माझं असं म्हणणं आहे तुम्हाला की वेन देर इज अ एम, वेन देर आर ड्रीम्स, द वे ऑलवेज कम्स टू यू, सक्सेस इज इन युअर हँड. जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको हयात बख्शी है, हजरत हसन हुसैन ने जिसको हयात बख्शी है, तो वो इस्लाम खतरे में हो सकता है? तो क्यों कहते हो? सियासत लेने के लिए? और को सुनते हो तुम नौजवान उनका कि इस्लाम खतरे में? गलत बात है. तो मेरी इल्तजा है आपसे कि इन जो बहकावे पे आने वाले लोग हैं इनसे आप बहकावे में मत आओ, और ऐसे बहकावे में मत आके दंगे फसाद में मत पड़ो. उनको बोलो इस्लाम कभी खतरे में नहीं आ सकता. अभी दूसरी बात है कि आप बड़े बड़े बातें बोलने के बाद एक ही बोलते, यानी कुरान शरीफ पे आ रहा हूं मैं. अभी बहुत सारे ने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन कुरान की पहली आयत कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन से शुरू होता है, बराबर है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, बराबर है? कुछ गलत है. इसका मतलब, मैं अरबी पढ़ा नहीं हूं लेकिन इतना पक्का जानता हूं कि खुदा से एक जुदा एक नुक्ता निकाले तो जुदा होता है, बराबर है? खुदा इस लव में से एक नुक्ता निकाले तो जुदा हो जाता है. उसका मतलब, मैं सारे जहान का रब हूं, रबुल इस्लाम की और रबुल मोमिन, ऐसा कहा लिखा नहीं कुरान शरीफ में, बराबर है? एक भी लफ्ज ऐसा आया नहीं. यानी इस दुनिया में पेड़ पौधे कंकड़ हिंदू मुस्लिम सबका मैं रब हूं, कोई एक जात का मैं रब नहीं हूं. रबुल आलमीन का मतलब भी है. सिक्योरिटी के बारे में हमने स्टूडेंट लोगों को बताना मुनासिब समझा था, और जो स्कूल में अटैक होते हैं, कॉलेज में अटैक होते हैं, वो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, पुलिस की तरफ से क्या सूचना थी, ये बच्चे लोगों की तरफ यानी स्टूडेंट के तरफ पहुंचना चाहिए, ये मकसद था आज के कार्यक्रम का. अच्छा प्रोग्राम लाले और मला खूब बरं वाटलं, मला माझे कॉलेजमधले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आणि माझे अचीवमेंट्स आठवले की ज्याच्यामुळे इन्स्पायर होऊन मी आज या पोस्टवर आहे. माझं इन्स्पायरेशन या मुलांना मिळेल, आणि आजचा हा जो काय प्रोग्रामला मी हजर राहिली आहे, जे काय मुलांना 2 शब्द गायडन्स दिलेलं आहे, याच्यातून जसं मी इतर लोकांकडून गायडन्स घेऊन आज या स्टेजला आहे, माझं इन्स्पायरेशन घेऊन यांच्यातले काहीतरी स्टुडंट्स वरती अजून येतील आणि चांगले इन्स्पायर होतील, काहीतरी चांगले चांगले पोस्टवर जातील असं मला वाटतं. या महोत्सवातील विजेत्यांना आकर्षक बक्षिसे व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले. महोत्सव यशस्वीपणे संपन्न झाल्याचा आनंद AIKTCच्या व्यवस्थापनासोबतच विद्यार्थ्यांत मध्ये झळकत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. हमारी टीम में 30 मेंबर्स है टोटल, और हम लोग कासेगा टेक्निकल कैंपस है. हम लोग ATV बना रहे हैं, और इसमें बहुत मेहनत लगी है बच्चे लोग की हम लोग की, और इसमें हम लोग कॉलेज के बाद लेक्चर्स अटेंड करने के बाद काम करते हैं. रात को 10-11 कितने बजते हैं मालूम नहीं. और हम लोग का पहले स्टार्टिंग में डिज़ाइन किए हम लोग ने, डिज़ाइन सक्सेसफुल होने के बाद हम लोग फैब्रिकेशन चालू किए. फैब्रिकेशन को हम लोग को 2 से 3 महीना जा चुका है, और हम लोग का कंटिन्यूस प्रोग्रेस चालू है, और हम लोग का ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है. और हम लोग की टीम का बहुत एफर्ट है इसमें, और ATV हम लोग जीतने का बहुत कोशिश कर रहे हैं इसका. वी आर मेकिंग अ सोलार कार विद अ न्यू इन्वेंशन, इलेक्ट्रिक फिंगरप्रिंट सेंसर. अगर ये फिंगरप्रिंट सेंसर में जब तक ड्राइवर एक्सेस नहीं करेगा फिंगरप्रिंट सेंसर, जब पूरा सिस्टम ऑन हो जाएगा, जैसे ही फिंगरप्रिंट सेंसर एक्सेस करेगा
पूरा सिस्टम ऑन कर देगा ये, और ये हमारी न्यू इन्वेंशन है। और पूरी कार सोलर पैनल पे चलने वाली है, और हमारी मैक्सिमम बैटरी की कैपेसिटी है 70 amps, जो 2-4 hours तक चल सकती है। और हमने मोटर्स 1000 watts का यूज़ किए, और जो 8 newton meter का टॉर्क प्रेजेंट करती है, और जो मैक्सिमम इसकी स्पीड्स 40-45 meters तक जा सकती है।